हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीतिया। इस ऑडियो में हम लोग मई 2024 के बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उस सभी को देखेंगे। देखिए, मई के मंथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना रही है उसमें सबसे पहले सुशील कुमार यादव जी का डेथ हो गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा, सुशील कुमार जी जो है लास्ट टाइम जो MP के रूप में जीते थे वो भागलपुर से जीते थे 2014 में MP के रूप में जो है भागलपुर से चुनाव जीते थे। इनका एक किताब जो है वो याद रखिएगा, इनका किताब एक है लालू लीला, ठीक है। सुशील कुमार यादव जी के द्वारा रिसेंटली जो है एक किताब भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था लालू लीला। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि नरेंद्र प्रसाद ये भी फेमस सर्जन थे, ठीक है, डॉक्टर थे, फेमस सर्जन थे। इनका भी डेथ हो गया, इनको पद्मश्री 2015 में मिला था। तो ये तीन डेथ जो इस मंथ में, ये दो डेथ जो इसमें हुआ इस मंथ में याद रखिएगा, एक सुशील कुमार मोदी पॉलिटिशियन थे ये समझते हैं, एक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जो है फेमस सर्जन थे, पद्मश्री अवार्डी भी थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, इनके बारे में याद रखिएगा। एक बिहार में जो है ना ह्यूमेनॉइड रोबोट बनाया गया है, बिहार का पहला ह्यूमेनॉइड रोबोट है। इसको बनाया जो है सीमेज इंस्टीट्यूट आर्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसके जो डायरेक्टर होंगे वो शरद कुमार यादव जी जो बनाए हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट ह्यूमेनॉइड रोबोट जो है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सुमेध नाम है, बिहार का फर्स्ट ह्यूमेनॉइड रोबोट सुमेध नाम है, जिसको लॉन्च किया गया शरद कुमार यादव के द्वारा जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के हेड होंगे साइन, और ये सीमेज के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब सीमेज इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने वेदर सर्विस सेंटर और एक ऐप मौसम ऐप लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक मौसम ऐप लॉन्च किया है और वेदर सर्विस सेंटर बनाया है। बिहार में कालाजार इराडिकेट करने के लिए जो प्रोग्राम है बिहार सरकार का, उसका जो है रिसेंटली रांची में मीटिंग हुआ था, तो उसमें बिहार का मॉडल को बहुत ही तारीफ मिला था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि बिहार सरकार को तारीफ मिला था कालाजार इराडिक्शन प्रोग्राम के लिए, इसका रिसेंटली मीटिंग हुआ था रांची में झारखंड में, तो वहाँ पे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नटराज कला सम्मान जो मिला है वो मिला है रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को, जो कि चंपारण से बिलोंग करते हैं, पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। तो नटराज कला सम्मान किसे मिला है, तो नाम इनका है रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर जी को नटराज कला सम्मान मिला है, जो कि पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने शराब बंद किया था, उसकी वजह से बिहार में 4.16% रिडक्शन हुआ है इन इमोशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए, ये बताया किसने, तो ये एक जो है द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो कि फॉरेन का है, ठीक है, साउथ एशिया का जर्नल है, लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया जर्नल। इसमें पब्लिश हुआ है कि बिहार में जो है 4.16% रिडक्शन आया है इमोशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में, ड्यू टू द किसकी वजह से हुआ है ये, तो शराबबंदी की वजह से। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन्स का कबड्डी लीग। अभी देखिए, कबड्डी पुरुष वाला होता ही था, वुमेन का कबड्डी लीग जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो पटना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वुमेन्स कबड्डी लीग, ठीक है। आई थिंक हमारे ख्याल से ये इंडिया का फर्स्ट कबड्डी लीग है जिसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही है। बिहार सरकार ने एक पटना में जो है ना पंगत ऑर्गेनाइज किया था, पंगत में समझ गए होंगे आप, यहाँ पे बिहार सरकार ने बिहार में जितने भी खाने वाले चीज़ होते हैं उसको शोकेस किया था, मतलब उसको दिखाया था। तो पंगत याद रखिएगा, पंगत बिहार में लगाया गया था, जहाँ पे बिहार की जितने भी कुसीन है, खाने वाले चीज़ है, सबको शोकेस किया गया था बिहार में 28 मई को पटना में किया गया था, ठीक है। भारत गौरव रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो पवन कुमार दर्शन जी को मिला है। भारत गौरव रत्न अवार्ड पवन कुमार दर्शन जी को मिला है, ये याद रखिएगा। बिहार में एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गया,
गया में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल्ली जो है ना वुमेन स्टाफ से है भरा, मतलब वुमेन स्टाफ उसको चला रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, वुमेन स्टाफ के द्वारा फंक्शन किया जा रहा है गया के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा। आईआईटी पटना जो है ना, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि आईआईटी पटना के स्टूडेंट ने जो है एक इन्वर्टर बनाया है, वो इन्वर्टर इतना अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर है वो, आप एक तरह के सूटकेस के रूप में है इन्वर्टर, मतलब कि सूटकेस में आप ले जा सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आराम से आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये आईआईटी पटना ने बनाया है सूटकेस इन्वर्टर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एक नीलकंठी मछरिया होता है, इसको रिसेंटली पटना जू में देखा गया था। एक्चुअली ये जो है ना शिवालिक रेंज सब के, शिवालिक रेंज सब के तरफ मिलता है, लेकिन ये हार्डली देखने को मिलता है, नीलकंठी मछरिया, ठीक है। नीलकंठी मछरिया मच्छर है, आई थिंक मॉस्किटो ही होगा हमारे ख्याल से, नीलकंठी मछरिया जो है इसको रिसेंटली पटना जू में देखा गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पटना का बॉबी कुमार है, ठीक है, पटना का बॉबी कुमार, इसको सिलेक्शन हो गया है, कहाँ पे हुआ है सिलेक्शन, तो देखिए वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, सेपक टकरा का। सेपक टकरा क्या होता है, ये एक वॉलीबॉल है जो कि पैर से खेला जाता है, फुट वॉलीबॉल इसे बोलते हैं या फुटबॉल बोलते हैं, पैर से खेलने वाला। तो सेपक टकरा टीम में सिलेक्शन हुआ है बॉबी कुमार का, जो कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किसके लिए, तो वर्ल्ड कप इवेंट होने वाला है सेपक टकरा का, मलेशिया में होने वाला है। पटना वुमेन्स कॉलेज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटना वुमेन्स कॉलेज को NAA A++ ग्रेडिंग मिला है, NAA A++ ग्रेडिंग मिला है, पटना वुमेन्स कॉलेज को NAA A++ ग्रेडिंग मिला है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन, इसे गूगल सर्च करके आप देख लीजिएगा। नेशनल एक्रेडिटेशन कुछ ऐसा होता है, NAA A++ का ग्रेड दिया जाता है, तो पटना वुमेन्स कॉलेज को ये मिला है ग्रेड, ठीक है। इसके बाद एक याद रखिएगा, सपना सिन्हा है, सपना सिन्हा इनको जो है ना फोर्ब्स जो मैगजीन जो है, फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 एशिया में, 30 अंडर 30 एशिया में इनका जो है नाम दिया गया है, फोर्ब्स मैगजीन में आया है। क्यों आया है, क्योंकि इनका जो है रिसर्च पब्लिश हुआ, एक इनका रिसर्च की वजह से आया है, ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस में इन्होंने एक रिसर्च किया था, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है, सपना सिन्हा इनका नाम है, सपना सिन्हा को फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में नाम आया है, किस वजह की वजह से, तो इनकी एक रिसर्च ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस के रिसर्च की वजह से, जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। इजराइल की सरकार, इजराइल की एक कंपनी ने मुजफ्फरपुर बिहार के साथ MOU करना चाह रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के लीची को वो चाहते हैं कि 4 दिन तक कम से कम उसको एक तरह से पैकेट फूड बनाया जाए जो ख़राब ना हो कम से कम 4 दिन तक। तो इजराइली कंपनी टाई अप करना चाह रहा है मुजफ्फरपुर के साथ, ताकि लीची को प्रिवेंशन, मतलब लीची प्रिवेंशन किया जाए, कम से कम 4 दिन तक उसको सही सलामत रखा जा सके। तो याद रखिएगा, इजरायली कंपनी ऐसा चाह रहा है, इजरायली कंपनी सीक टाई अप विथ मुजफ्फरपुर फॉर लीची प्रिजर्वेशन फॉर 4 डेज, 4 to 5 डेज एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि 5 करोड़ जो है ना सरकार पेड़ लगाएंगे, 5 करोड़ कब तक लगाएंगे, तो 2025 तक बिहार सरकार ने टारगेट बनाया है कि 2025 तक हम 5 करोड़ ट्री लगाएंगे, 5 करोड़ पौधा लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे, तो ग्रीन कवर को, हमारा जो इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बिहार में आपको पता होगा 10.32 ही ट्री और फॉरेस्ट कवरेज को मिला करके है, जबकि वो 30-33 से के अवार्ड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अभी योगा प्रैक्टिस किया गया था, एक योगा प्रैक्टिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो कि गया में किया गया था, बोधगया बिहार में 25 दिन का योगा प्रैक्टिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, बोधगया गया में। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, इसमें बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे पीछे है, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट सबसे पीछे है और पटना टॉप है, किसमें, तो प्राइम मिनिस्टर का जो आयुष्मान योजना है, जन आरोग्य योजना, उसमें जो है शेखपुरा सबसे पीछे है और पटना टॉप है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है शेखपुरा के द्वारा। एक नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, आपको पता होगा, देखे होंगे आप लोग, T20 क्रिकेट हुआ था दिव्यांग लोगों का, तो उसमें बिहार को 4th रैंक आया था, ठीक है, मतलब बिहार फाइनल में तो नहीं पहुंचा, 4th रैंक बिहार को मिला था। जो बेबी कॉर्न होता है, बच्चे को जो बेबी कॉर्न होता है, वो बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट में जो है उपज इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, 9 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक
ठीक है। तो इस मंथ में इतना ही रहे जो मेन मेन क्वेश्चन है, जैसे 5 करोड़ बिहार सरकार जो है पौधे लगाएंगे 2025 तक। हाँ, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, देखिए, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक, बंगाल के सिलीगुड़ी तक ये चलेगा, ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरेगा। तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरेगा ना, तो ये एक्सप्रेस वे बिहार का पहला 6 to 8 लेन वाला एक्सप्रेस वे वो होगा, 6 to, क्योंकि इसमें 6 to 8 लेन तक इसमें एक्सप्रेस वे होगा। तो ये बिहार का फर्स्ट ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जो कि 6 से 8 लाइन इसमें रहेगा, ठीक है, 6 to 8 लेन रहेगा इसमें। आपका होगा कि सर किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास करेगा, तो देखिए गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाएगा तो कैसे जाएगा, तो सबसे पहले ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, फिर जाएगा ये आपको शिवहर जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा ये सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, मधुबनी, किशनगंज और अररिया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरेगा। तो बिहार का फर्स्ट 6 to 8 लेन एक्सप्रेस वे होगा वो कौन होगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। लालू लीला किताब किसके द्वारा लिखा गया था, तो सुशील मोदी के द्वारा लिखा। हाँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, आपको पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट जो है स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं सबके घर में, इसमें भारत में टॉप है बिहार, बिहार स्मार्ट मीटर लगाने में, स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रिसिटी का जो लगा रहा है इसमें बिहार जो है टॉप पे है, याद रखिएगा ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।